के टूटे सड़कें और यहाँ सुनने वाला ना कोई वार्ड काउंसिलर, ना ही सफाई कर्मचारी और ना ही नगर निगम प्रशासन आखिर मार की जनता जाए तो जाएगा। आइए हम बात करेंगे बीजेपी के पार्टी से कृपानंद जी से। सर आप बीजेपी के अध्यक्ष हो, मतलब कि बीजेपी में काम कर चुके हो, रह चुके हो आप, इस बारे में आपका हल्लुमाजरा के बारे में आपका क्या कहना है? लगातार सर मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए और लगातार जो गांव के अंदर जो भी समस्या है लगातार मैं उसको उठाता आया हूँ। अभी ये रोड का काम चल रहा था, पीछे गली में टैले भी लगा हुआ है, उसको हमने 1.5 फुट से 2 फुट लेवल ऊपर करवाए हैं और इस गली का भी मेरा ये है कि इसको कम से कम 4-4.5 फुट की लेवल उठा करके करें। अभी जो हमें तुरंत पता लगा है आधा घंटा पहले इस गली के बारे में, गली जाम पड़ा हुआ है, सीवर से भी जाम पड़ा हुआ है, पानी का जो बरसात का भी पानी जाम पड़ा हुआ है, सबसे जो ये सीवर लाइन है गंदगी से सीवर सारा भरा पड़ा है। अभी जय साहब को ही मैंने फ़ोन किया था, आप देख सकते हैं कि जय साहब ने बंदे भेजा है, अभी खोलने का काम चल रहा है, ये तुरंत 10 से 15 मिनट में इस गली को करवाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या जो सीवर का समस्या है इसको भी जल्दी हम निपटारा करवाने की कोशिश करेंगे मेयर साहब से। पर लोगों का कहना है कि ये कल से दिक्कत है, कल से प्रॉब्लम है, ये तो कल से दिक्कत है कि बारिश के कारण अभी है। जब जब भी पिछले साल लोगों का ये कहना है कि पहले भी ऐसी ही समस्याएं उनको देखने को बार बार मिलती हैं लेकिन प्रशासन इसके बारे में कोई कुछ नहीं करता, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सर लगातार हमारे संज्ञान में है, जहाँ जहाँ हल्लुमाजरा के गाँव के अंदर जो जो गलियों की प्रॉब्लम है उसको लगातार हम चिंतन और मंथन कर रहे हैं इस बात को, क्योंकि जनता परेशान है, हम चाहते जनता ना परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ने समाज का साथ लिया है, जनता ने साथ दिया है, जनता का सहयोग रहा है, उस काम पे खड़े उतरने का काम करेगा भारतीय जनता पार्टी। पर सर 8 महीने हो चुके हैं, गलियों का अभी तक कोई निवारण नहीं हो चुका है, 8 महीने से मतलब कि गलियाँ टूटी पड़ी हैं, ऐसे ही अभी टाइलों का काम शुरू हुआ है, तो उससे पहले भी लोगों को इतनी समस्या हुई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर लगातार अलग अलग गलियों का जो टेंडर हो रखा था इन्होंने, अलग अलग ठेकेदार है, जो आगे इस गली का थोड़ा सा आगे जाइएगा अलग ठेकेदार के पास था, ये काम किसी वजह से रुका हुआ है, ये काम भी शुरू हो जाएगा बहुत जल्द और इसको कोशिश करूंगा 4 फुट इस गली को लेवल उठा करके मेन रोड की तरफ ढाल ले जाने का, ताकि इस तरह का प्रॉब्लम पानी खरने का प्रॉब्लम ना हो। अभी सर डंपिंग यार्ड की बात करें तो कूड़े का कचरा वहाँ पर लगातार वहीं पर ही पड़ा रहता है, अब तो और भी ज़्यादा लोग वहीं पर ही गंद गिरने लग गए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि अभी तक प्रशासन ने क्या किया है? सर अभी लगातार आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने लगातार और मोदी जी के नेतृत्व में सफाई अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है और चंडीगढ़ में भी हमारे आदरणीय जो भाजपा के अध्यक्ष अरुण सुजू के नेतृत्व में जो सफाई अभियान बहुत बढ़िया से चल रहा है और हम इस पे लगातार काम कर रहे हैं, हम लोग भी सफाई पे ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं कि सफाई ताकि बढ़िया से। सर आप कह रहे हैं कि हमने सफाई पर ज़्यादा ध्यान दिया है लेकिन गलियों का हाल देखते हुए तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। सर लगातार आप देख सकते हैं इस टाइम तो बारिश का मौसम है, देखिए बारिश होने की वजह से थोड़ा सीवर में आया प्रॉब्लम, तुरंत अभी जय साहब को फोन किया, उन्होंने अपने बंदा भेजा है और ये जल्दी निपटारा करने की काम कोशिश करूंगा। लेकिन लोगों का कहना है कि ये कल से बुला रखे हैं लेकिन आए अब आए। सर अभी जस्ट मेयर साहब से भी हमारी बात हुई है 15 मिनट पहले, उन्होंने बोला है जो भी समस्या है उसको लिखित के साथ लेके आना है, इस समस्या के जल्दी निपटारा किया। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।